नमस्कार दोस्तों, इस बार का लोकसभा चुनाव भले ही नरेंद्र मोदी के लिए ऐतिहासिक हो, लेकिन ये देश की राजनीति के लिए भी बड़ा ऐतिहासिक होने जा रहा है। इसकी खास बात यह है कि इस चुनाव में कई बड़े बड़े दिग्गज रिटायर हो रहे हैं। कुछ इच्छा शक्ति से रिटायर हो रहे हैं, कुछ को जबरन रिटायर किया जा रहा है, और कुछ की रिटायर हो जाने की उम्र आ ही गई थी दोस्तों। अब देखिए, भाजपा ने अडवाणी जी, जोशी जी, इन्हें टिकट नहीं दिए, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव के पिता और मुलायम सिंह यादव, जो बहुत बुज़ुर्ग नेता हो चुके हैं अब, उन्होंने भी कह दिया है कि ये उनका आखिरी चुनाव होगा। सुषमा स्वराज जी कह चुकी हैं कि उनका चुनाव इस बार में नहीं लड़ रही हैं। उमा भारती मना कर चुकी हैं। अरुण जेटली बीमार हैं, वो नहीं लड़ रहे हैं। मनोहर पर्रिकर अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो ये चुनाव बहुत मायनों में याद रखा जाएगा। बात करते हैं मुलायम सिंह यादव जी की। मुलायम सिंह यादव ने पिछले दिनों लोकसभा में चर्चा के दौरान ये कह दिया था कि मैं सभी सांसदों को एडवांस में बधाई देता हूँ नई लोकसभा के लिए, और नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूँ कि वो भी प्रधानमंत्री फिर बने। तो इस बयान से अखिलेश यादव को बड़ी एम्बेरेसमेंट हुई थी। उमर अब्दुल्ला, जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने भी कहा था पुअर अखिलेश, उन्होंने ट्वीट किया था इस बारे में। तो कुल मिला के अब ऐसा भी लगता है कि मुलायम सिंह जी की उम्र तो हो ही चुकी है, 79 ईयर्स के हो चुके हैं, उन्हें रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। और यही वजह है कि उनके इस आखिरी चुनाव को यादगार बनाने के लिए समाजवादी पार्टी ने पूरे घोड़े खोल दिए हैं। पिछली बार आजमगढ़ और मैनपुरी से लड़े थे, मैनपुरी उन्होंने छोड़ दी थी, आजमगढ़ से इस बार अखिलेश यादव लड़ रहे हैं और मैनपुरी से नेताजी आ गए हैं। मैनपुरी में 23 अप्रैल को मतदान होगा, और सबसे खास बात यह है कि यहाँ से वो 5वीं बार सांसद बनेंगे अगर जीते तो, मुलायम सिंह यादव। इसी वजह से उनके इस इलेक्शन को यादगार बनाने के लिए समाजवादी पार्टी ने पूरे घोड़े खोल दिए हैं। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि सैफई ब्लॉक, जो यादव फैमिली का मेन इलाका है, वो ब्लॉक इसी डिस्ट्रिक्ट में आता है, और वहाँ पर 75,000 वोट हैं, और सपा के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि इस बार नेताजी को 70,000 वोट सैफई से ही दिलवानी है। तो आप समझ सकते हैं कि किस कदर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद है मुलायम सिंह जी के लिए। मुलायम सिंह जी के खास बात एक और बताऊं कि मुलायम सिंह जी ज़मीन से जुड़े हुए नेता रहे हैं, और हमेशा अपने क्षेत्र के लिए काम करते रहे हैं। इस लोकसभा सीट में 5 विधानसभाएं आती हैं, भोगांव, जसवंत नगर, करहाल, किशनी और मैनपुरी। इनमें से 4 पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, और एक भोगांव सीट जो है उस पर राम नरेश अग्निहोत्री बीजेपी के विधायक हैं। यानी कि फुल माहौल है नेताजी को वहाँ से जिताने के लिए। इटावा से लगता हुआ ये जिला है, इटावा यादव परिवार का गढ़ रहा है, और इस सीट पर 1996 से अब तक जो चुनाव हुए उनमें 8 बार समाजवादी पार्टी जीत चुकी है। यानी कि साहब, उनके सामने यहाँ कोई टिक नहीं सकता। और 2014 के चुनाव में मुलायम सिंह यादव को यहाँ 5,95,000 वोट मिले थे। दूसरे स्थान पर रहे शत्रुघ्न चौहान को 2,31,000 वोट मिले थे, और डॉक्टर संघमित्रा मौर्य जो बीएसपी की हैं, उन्हें 1,42,000 वोट मिले थे। अब देख लीजिए कि भाजपा और उनके बीच में लगभग 4.5-5 लाख का डिफरेंस था वोटों के बीच में। तो अब इससे अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुलायम सिंह जी के लिए ये कितनी सेफ सीट है। 2004 और 2009 में भी मुलायम सिंह यहाँ से चुनाव लड़े थे, और बसपा दूसरे नंबर पर रही थी। इससे पहले 1999 में बलराम यादव उनके भाई यहाँ से चुनाव लड़े थे, और 2014 में जब मुलायम सिंह ने मैनपुरी सीट छोड़ी तो यहाँ से तेज प्रताप यादव जीते थे, मुलायम सिंह जी के पोते हैं, और उन्होंने भाजपा के प्रेम सिंह शाक्य को हराया था। इस बार भी प्रेम सिंह शाक्य मुकाबला करेंगे नेताजी का, लेकिन लगता नहीं कि मुकाबला कर पाएंगे। वैसे पैसे वाले आदमी हैं प्रेम सिंह शाक्य, भट्टा मालिक हैं, भट्टा चलाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कुछ कर पाएंगे। मुलायम सिंह यादव की जीत यहाँ पे पक्की है। और
19 तारीख को यहाँ पे एक संयुक्त रैली भी होने जा रही है, जिसमें मायावती जी जी हाँ जो मुलायम सिंह से 36 का आंकड़ा रही उनके लिए प्रचार करने आएंगी अखिलेश यादव के साथ। ये बड़ी न्यूज है इस बार, और देखते रहेंगे कि इस पे क्या हो रहा है। वैसे इस सीट पर मुझे लगता नहीं दोबारा वीडियो बनाने की जरूरत पड़ेगी, इस वीडियो में जो बता दिया है वही फाइनल है। मुलायम सिंह जीतेंगे, प्रेम सिंह शाक के नंबर दो पर रहेंगे, बाकी कोई कैंडिडेट है ही नहीं किसी भी दल का यहाँ पर, कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारा नहीं है। तो यानी कि नेताजी की शानदार विदाई यहाँ से तय है, और 23 अप्रैल को मतदान हो जाएगा, 23 मई को रिजल्ट आएगा, देखते हैं क्या होता है। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।